You know what? I will go to Hollywood and win an Oscar. Wow, great! Assalamualaikum. तो आज रिविजिट होगा बाजी का. अरे आपकी नहीं, पाकिस्तान की बाजी. अरे ये वाली नहीं, ये वाली बाजी. हाँ. मैं तो रोना आ रहा है, मैं तो पागल, मैं तो भाग ही होंगी डर के. तो हम देखते हैं 44 साल की बाजी. फॉर द बर्गर्स इट्स 44. अरे आई नो, मैं भी नहीं मानता. आई नो कि ये मीरा जी, कायम अली शाह और डायनासोर, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं. बट गूगल ब्रो, गूगल. तो सेकंड कैरेक्टर है हमारे पास रैमी द रोमियो, जो कि हर वक्त बाजी के लिए मूड में रहता है. आई डोंट नो, बाजी नहीं मानता होगा उसे. बस अब बहुत जी चाह रहा है. खा जाऊंगा एक ही बाइट में, हड़प कर जाऊंगा तुम्हें. वन सेट नहीं बचोगी तुम. तो अपने आप को काबू करना सीखो. अच्छा बात नहीं है. थर्ड कैरेक्टर है हमारे पास चांद कमाल द लौंडेबाज. ये लौंडेबाज है या नहीं, वाइब्स इसने पूरी नहीं है. मे बी पैमरा ने सीन काट दिया हूँ. पैमरा जैनिक वर्ड इज बुराई पे पर्दा डालने से उसको प्राइवेसी मिलती है. लेट अस नो द डार्क डर्टी वर्ल्ड. एंड द नेक्स्ट कैरेक्टर वी हैव मोहसिन अब्बास द MMA फाइटर. अरे भाई इलीगल फाइट्स लड़ोगे तो इसी तरह के रोल मिलेंगे ना छोटे मोटे. सही कह रहे हैं. और ये नेहा का आशिक भी है. ये पॉइंट याद रखना, क्लाइमैक्स में काम आएगा. नेक्स्ट कैरेक्टर वी हैव नेहा द बाजी लिफ्टर. इस बंदी ने बाजी के इतने उठाया ना, इतने उठाया ना, कि इतना तो मेरा दोस्त फहद भी नहीं उठाता टीचर्स के. एंड नेक्स्ट कैरेक्टर वी हैव मलक शाहजान, रुहेल खान. यार इस बंदे की एक्टिंग में ओडेसिटी इतनी है ना कि इसके कैरेक्टर्स में डिफ्रेंशिएट करना ही बड़ा मुश्किल रहता है. मलक शाहजान द हॉलीवुड डायरेक्टर. ये कहानी है लॉलीवुड स्टार मीरा जी की, जिन्होंने लॉलीवुड में री एंट्री के लिए किया हॉलीवुड डेब्यू. यू नो वॉट, आई विल गो टू हॉलीवुड एंड विन एन ऑस्कर. फिर वो मर गए. बाजी अब बूढ़ी हो चुकी हैं, पर ये बात हजम करना उनके लिए बहुत मुश्किल है. पर उनको ये बात हजम ही करनी पड़ती है, क्योंकि एक आइटम सॉन्ग करते हुए इसी बात का फायदा उठाते हुए लॉलीवुड की फब्बे घुटने यासिर हुसैन कर देता है उन्हें रिप्लेस. स्टार है नहीं, स्टार थी 10 साल पहले. इस एक्सीडेंट को अपनी गुड लक समझे और रिप्लेस करें यार इन्हें. फिल्मी करियर तो अब रहा नहीं, तो बाजी के पास अब सिर्फ ऑप्शन बचती है थिएटर की. अब ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं है कि शमीरा स्टेज पर चढ़ के आइटम करे. Approximately 10 hours later. ये बेगैरती तो सिर्फ उसके बेगैरत बॉयफ्रेंड को गैरत दिलाने के लिए की गई थी. गैरत आ जाने के बाद रैमी द रोमियो डिसाइड करता है कि वो करवाएगा मीरा जी की लॉलीवुड में री एंट्री बाय प्रोड्यूसिंग हर फिल्म. बट कौन से पापा इस चीज के लिए मानते हैं. मैं पाकिस्तानी मूवी प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, जस्ट अबाउट मिलियन पाउंड्स. तुम पागल तो नहीं हो गए, एक पैसा नहीं भेज रहा, कम बैक राइट अवे. एज वी ऑल नो अब्बा नहीं मानेंगे. और अब्बा नहीं माने, पर तभी मैदान में आ जाता है रुहेल खान हॉलीवुड डायरेक्टर, जो कि लेके जाएगा मीरा जी को टू द हॉलीवुड विद हर नो मेकअप लुक. मैं आपको बगैर मेकअप के शूट करना चाहता हूँ. बगैर मेकअप के कैसे होगा, बेहतर. बट रैमी द रोमियो, बाजी और मीरा की बढ़ती नजदीकियां देखकर है नाखुश. और वो बुलाता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो कहता है कि बाजी इज हर वाइफ. और ये रहा हमारा निका नाम. इसके स्टेप से ज्यादा कुछ हुआ नहीं, बट मूवी के स्पॉन्सर्स भाग गए. Why are you running? अब मीरा जी के पास और कोई रास्ता नहीं है, तो फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें बेचना पड़ता है अपना खुद का घर. चाचा का लूट हो रहा है. अभी उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की सक्सेस पार्टी हो ही रही होती है कि रैमी फिर स्टार्ट कर देता है फड्डा. कूट दिए. अब रैमी की ईगो हो चुकी है हर्ट, और वो करता है अपना दूसरा वार. और ऑब्वियसली वो सच्चा आशिक है, तो न्यूड्स लीक करेगा ना. और फिर वो बाजी के न्यूड्स लीक कर देता है. It's showtime. चाचा का लूट हो रहा है.
न्यूड्स लीक हो जाने के बाद बाजी गुजरने लगती हैं एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस से, और 2 रुपये का दिमाग लगाने के बाद वो पता लगा लेती हैं कि वो नेहा का आशिक ही था जिसने उनका न्यूड्स वाला टैब चुराया था। और इल्ज़ाम आ जाता है नेहा पर, और बाजी तान देती हैं बंदूक नेहा पर। ऑन द स्पॉट रोहेल खान आके बचा लेता है नेहा को, पर वो नेहा को कहता है गन उठाओ। नहीं 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 सारंग, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और उसी रात रोहेल खान नेहा की लेके वापस चले जाता है अपने गांव से हॉलीवुड, और पीछे छोड़ देता है उसके लिए एक लेटर जिसमें लिखा होता है अपनी भावनाओं को डालो अपनी कान। और नेहा को पता लगता है कि बाजी का हो चुका है उसी रात मर्डर था, था, था। और रोहेल खान भी एक एक्सीडेंट में मारा जा चुका है, और बाजी के मर्डर का इंजाम आ जाता है नेहा पर। ये वो मर्डर वेपन है जिस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं। चाचा गलत हो रहा है। नेहा को हो जाती है जेल, और 2 साल बाद ये केस होता है रीओपन। आई बिलीव तुम्हें फ्रेम किया गया है, फंसाया गया है तुम्हें। आप अपना वक्त जाया कर रही है, इस केस में अब कुछ नहीं बचा। हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे, और क्या बेच चोर के काम हम पे। तो पता लगता है रोहेल खान कोई हॉलीवुड डायरेक्टर नहीं, एक कॉन आर्टिस्ट है जो कि गली गली मिल्फ की लेकर फरार रहता है, और बाजी भी उसी का एक शिकार थी। नेहा फिर जेल से छूट जाती है और बन जाती है हीरोइन। बस आसान है क्या? तो क्या सीखा हमने इस सबसे? टाइम पे रिटायरमेंट ले लो, नहीं तो मारे जाओगे एक दिन। आई डोंट बिलीव कि मुझे ये कहना पड़ रहा है, पर उठाते रहो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तुम्हारी भी नहीं पार लग ही जाएगी। बट आई स्टिल बिलीव इन खुद की मेहनत। बाय। लव मी और हेट मी दैट यू कैन नेवर रिप्लेस मी।